हेलो फ्रेंड्स, आज फिर एक हम नए टॉपिक के साथ आए हैं। फिजिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करंट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिक करंट के क्वेश्चंस क्लास 10th से लेकर क्लास 12th और कंपटीशन लेवल एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और कई बच्चे इसके ट्रिक्स से और इसको सोल्यूशन इसका तरीके से अनभिज्ञ है, तो वो देखेंगे, हम सीखेंगे कि कैसे बड़े बड़े सर्किट्स के क्वेश्चन हम आसानी से और छोटे करके सॉल्व कर सकते हैं। आज मैं बताऊंगा आपको इस वीडियो के अंदर किस तरह आप बहुत कम समय में बड़े बड़े क्वेश्चंस को जल्दी से कर सकते हैं और किस तरह आप अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं विद द स्कोरिंग टॉपिक करंट इलेक्ट्रिसिटी। यह टॉपिक जेईई मेंस और नीट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्लस बोर्ड्स के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को सिंपल सर्किट्स में करंट और वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन के साथ में। किस तरह हम बहुत बेसिक सर्किट्स से बिगिन करके हायर ऑर्डर के सर्किट्स पे जाएंगे वो आप देखेंगे इस वीडियो के अंदर। आपको यहाँ देखना है कि यहाँ पर दो रेजिस्टेंसेस लगे हुए हैं, एंड टू एंड कनेक्टेड है, एक बैटरी से कनेक्टेड है। ये एक सीरीज कॉम्बिनेशन कहलाता है। सीरीज कॉम्बिनेशन इसलिए कहलाता है क्योंकि यहां से जो भी करंट जाएगा वो सेम फ्लो करेगा दोनों रेजिस्टेंस के अंदर बिना बीच में कहीं डिवाइड हुए। अगर करंट बीच में कहीं डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है तो करंट रिमेन्स सेम थ्रू बोथ द रेजिस्टर्स एंड देन द कॉम्बिनेशन इज नोन एज सीरीज। तो सीरीज के अंदर हम देख सकते हैं कि करंट जो आई है वो क्या रहता है, सेम रहता है, आई रिमेन्स सेम। अब जब ये करंट इन दोनों रेजिस्टर्स में फ्लो करेगा तो वो यहां पर पोटेंशियल ड्रॉप कराएगा V1 का और यहां पर पोटेंशियल ड्रॉप कराएगा V2 का। हमारा मेन एम यही है कि V1 और V2 कितना कितना होगा और करंट कितना होगा वो निकालेंगे। तो हम जानते हैं कि सीरीज के अंदर, सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर नेट रेजिस्टेंस हो जाता है R1 प्लस R2। सीरीज के अंदर रेजिस्टेंसेस ऐड होते हैं तो करंट क्या हो जाएगा, तो ओम्स लॉ कहता है I इज इक्वल्स टू V बाय R। V कितना है, E के बराबर है और रेजिस्टेंस है R1 प्लस R2 के बराबर। तो दिस इज द करंट इन द सर्किट। अब फाइंड करेंगे V1 और V2। हम V1 और V2 को दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो तरीका है V1 निकालने का I into R1, क्योंकि इसके अंदर करंट I फ्लो कर रहा है, यही करंट I फ्लो कर रहा है तो यही हो जाएगा V1 equals to IR1। I हम फाइंड कर चुके हैं तो V1 इजीली फाइंड कर सकते हैं ER1 upon R1 plus R2, और V2 हो जाता है IR2 के बराबर, दैट इज ER2 upon R1 plus R2। ये थोड़ा सा बड़ा तरीका है, हम इसको इजीली एक छोटे तरीके से भी कर सकते हैं। बहुत छोटा तरीका क्या कहता है, ट्रिक कहती है कि आप ऐसा कहें क्योंकि करंट सेम है तो V जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा रेजिस्टेंसेस के। सिंस करंट इज सेम देयरफॉर पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, तो V1 upon V2 हो जाएगा आपके पास R1 upon R2 के बराबर। और जब भी ऐसा हो तो इसके दो पार्ट्स जो होते हैं वो इस तरह हो जाते हैं, R1 upon R1 plus R2 एंड R2 upon R1 plus R2। तो इस तरह अब डिस्ट्रीब्यूट किसे करना चाह रहे हैं, हम E को डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं V1 और V2 के रेशियो में, V1 और V2 निकालना चाह रहे हैं, तो V1 हो जाएगा R1 upon R1 plus R2 into E एंड V2 equals to R2 upon R1 plus R2 into E। This is how we can find the potential difference direct using these formulas। आप इसमें चाहे कितने भी resistances लगे हो आप सबका potential drop निकाल सकते हैं, सबके across। अगर आपको किसी भी resistance के across निकालना है वो resistance divided by sum of resistances into EMF of the battery। अभी हम इसे एक example के through समझेंगे कि किस तरह हम बड़े circuits में एक छोटा सा question फटाफट solve कर सकते हैं। अभी जो हमने कंसेप्ट पढ़ा उस पर बेस्ड एक बहुत बेसिक क्वेश्चन, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 12 ओम रेजिस्टेंस, 12 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस क्या पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो हम सबसे पहले कहेंगे कि क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन है तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R,
अब पोटेंशियल्स का रेशियो रेजिस्टेंस के रेशियो के बराबर हो जाएगा, तो रेजिस्टेंस का रेशियो क्या है भाई, आर वन इज टू आर टू इक्वल्स टू 4:12, दैट इज 1:3, इसके दो टुकड़े हो जाएंगे, 1/1+3 4 एंड 3/1+3 4। हमें 12 ओम के अक्रॉस पूछा गया है, तो 12 ओम के लिए क्या आ रहा है 3/4, तो V अक्रॉस 12 ओम इज 3/4 ऑफ 60 वोल्ट, दैट इज 4:15 एंड दिस इज 45 वोल्ट। यू कैन इजीली डू द पोटेंशियल डिफरेंस, कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस यूजिंग दिस टेक्निक, दिस इज वेरी हेल्पफुल एंड वेरी फास्ट टू डू द क्वेश्चंस। यहां तो हमने सॉल्व किया है, आप इसे ब्रेन में सॉल्व करके, डायरेक्ट दिमाग में सॉल्व करके भी आंसर लिख सकते हैं। नाउ फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस के। पैरेलल कॉम्बिनेशन का क्या इंपॉर्टेंस है, कैसे हम फाइंड करेंगे कि पैरेलल में कंबाइंड है? अगर सारे रेजिस्टेंसेस का एक एंड एक पॉइंट पे कनेक्टेड हो और उन सबका दूसरा एंड दूसरे कॉमन पॉइंट पे कनेक्टेड हो, तो वो पोटेंशियल, वो कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन कहलाता है। ध्यान दोगे आप, आर वन का एंड एक एंड, आर टू का एक एंड और आर थ्री, तीनों का एक एंड पॉइंट ए से कनेक्टेड है, जबकि आर वन आर टू आर थ्री का दूसरा एंड बी से कनेक्टेड है। इन दोनों के बीच में, इन दो पॉइंट्स के बीच में और कोई रेजिस्टेंस नहीं आ रहा है, तो इसलिए ये सारे रेजिस्टेंसेस पैरेलल में कनेक्टेड है। और क्योंकि ये सेम पॉइंट्स के बीच में कनेक्टेड है, तो इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, इनके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस V, ये क्या रहेगा, सब में सेम रहेगा, यानी आर थ्री को भी V मिलेगा, आर टू को भी V मिलेगा और आर वन को भी V मिलेगा। अच्छा, और इस सर्किट के अंदर कोई और रेजिस्टेंस नहीं होने के कारण ये V और ये E सेम हो जाएगा, यानी दिस V इज इक्वल्स टू E ओनली, बिकॉज इधर इधर या कोई और रेजिस्टेंस नहीं है, ये तीनों रेजिस्टेंस डायरेक्टली बैटरी के अक्रॉस कनेक्टेड है, इसलिए यहां पर V तो सेम रहेगा लेकिन करंट तीन पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये करंट हो जाएगा I1, ये करंट हो जाएगा I2 और ये करंट हो जाएगा I3। पैरेलल कॉम्बिनेशन में नेट करंट I कैसे निकाला जा सकता है? नेट करंट I निकालने के लिए हमें V अपॉन R नेट निकालना पड़ेगा, और इन पैरेलल कॉम्बिनेशन वन अपॉन आर नेट इज इक्वल्स टू वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू प्लस वन अपॉन आर थ्री एंड सो ऑन, ये होता है। तो आई बराबर हो गया वी अपॉन आर नेट, दैट इज वी अपॉन वन बाय आर वन, सॉरी वी इंटू दिस वन एंड सो ऑन, एंड वी यहां पर कितना है, वी यहां पर ई के बराबर है। तो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड नेट करंट इन द सर्किट। अब नेट करंट आ गया, एक एक ब्रांच का करंट पूछा जाए तो एक एक ब्रांच का करंट कैसे होगा, I1 हो जाएगा V अपॉन R1, V कितना है, V सब में यहां पर E के बराबर है, तो E अपॉन R1। I2 हो जाएगा V अपॉन R2, दैट इज E अपॉन R2, एंड सिमिलरली यू कैन फाइंड I3 इक्वल्स टू E अपॉन R3। ये तो सर्किट की बेसिक थिंग है, बहुत बेसिक चीज है, कैसे आप सर्किट की डिफरेंट ब्रांचेस में करंट निकाल सकते हैं जब वो तीनों रेजिस्टेंसेस डायरेक्टली बैटरी से कनेक्टेड हो। अगर बीच में कोई और रेजिस्टेंस कनेक्टेड होगा तो हम आगे बात करेंगे कि किस तरह करंट को डिस्ट्रीब्यूशन करना है। कई बार क्वेश्चंस के अंदर पैरेलल में करंट डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए आता है कि कैसे हम पैरेलल में करंट को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, अगर हमें टोटल करंट दिए हो और रेजिस्टेंसेस गिवन हो, तो हाउ टू फाइंड I1 एंड I2। तो गाइस, जो मैं ट्रिक अभी बताने वाला हूं उसको ध्यान से देखेंगे कि क्या होता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में V इक्वल्स टू IR तो हमेशा लगता ही लगता है, क्योंकि V सेम है तो हम कहेंगे I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, यानी ज्यादा रेजिस्टेंस में कम करंट और कम रेजिस्टेंस में ज्यादा करंट। पैरेलल कॉम्बिनेशन में जब V क्या रहता है, सेम रहता है, तो आप कह सकते हो I इक्वल्स टू V बाय R के हिसाब से कि V सेम है तो I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। तो यहां पर हम दो रेजिस्टेंसेस के अगर बारे में बात करें तो I1 अपॉन I2 हो जाएगा
R2 अपॉन R1 के बराबर, क्योंकि इनवर्स वेरिएशन है, उल्टा जा रहा है, I1 को I1 का इनवर्स R1 और I2 का इनवर्स R2 के हिसाब से। तो इसके दो पार्ट्स क्या हो जाएंगे बच्चों, इसके पार्ट्स हो जाएंगे R2 अपॉन R1 प्लस R2 एंड R1 अपॉन R1 प्लस R2। तो बच्चों यहां पर हम कहेंगे I1 इज इक्वल्स टू R2 अपॉन R1 प्लस R2, और बांटना किसे है, बांटना टोटल करंट को है, दैट इज I। एंड सिमिलरली I2 कम्स आउट टू बी R1 अपॉन R1 प्लस R2 इनटू I। सो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड द टू पार्ट्स ऑफ द करंट। बहुत इजीली अगर सोचा जाए कि मान लो आपको दे रखा है करंट इज 30 एम्पियर, रेजिस्टेंस R1 दे रखा है आपको 4 ओम और R2 दे रखा है आपको 6 ओम, और पूछा जाए I1 और I2 निकालिए। तो बहुत सिंपल सी तरीका है कि I1 अपॉन I2 इज इक्वल्स टू R2 अपॉन R1 इज इक्वल्स टू 6:4, R2 6 4 3 2। इसके दो टुकड़े क्या हो जाएंगे, इसके दो टुकड़े हो जाएंगे 3/3 + 2 = 5 एंड 2/5। बांटना किसे है, 30 एम्पियर करंट को बांटना है, तो I1 हो जाएगा 3/5 × 30, 5 × 6 = 18 एम्पियर। इसी तरह I2 हो जाएगा 2/5 × 30, 12 एम्पियर। आप 12 एम्पियर 30 माइनस 18 करके भी फाइंड कर सकते हैं। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन हो जाता है कि आपको करंट डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो इस वाले रेजिस्टेंस को करंट इसके अकॉर्डिंग दे दें और इस वाले को इसके अकॉर्डिंग दे दें। लेकिन ये ट्रिक जो मैंने R2 अपॉन R1 प्लस R2 और R1 अपॉन R1 प्लस R2 बताई है, वो केवल और केवल दो रेजिस्टेंसेस के लिए एप्लीकेबल है। ये बहुत सारे नंबर ऑफ रेजिस्टेंस के लिए लगा सकते हैं, लेकिन इसको थोड़ा कॉशियसली यूज करना पड़े। वो कैसे, वो मैं बताऊंगा आगे। अभी ये ध्यान दें, R2 अपॉन R1 प्लस R2 I1 देगा आपको, और I2 निकालना हो तो R1 अपॉन R1 प्लस R2 इनटू I करना होगा। तो ये ट्रिक्स आपको बहुत हेल्प करेगी सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के सिंपल सर्किट सॉल्व करने में। आगे हम बात करेंगे थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स के बारे में और किस तरह आप उसके अंदर वोल्टेज और करंट डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं।